etanyapi tu karmani sangam tyaktva phalani cha kartavyani timi path nishchitam matam uttamam. ये कर्तव्य नीति है और मेरा उत्तम मत है, निश्चय किया हुआ मेरा उत्तम मत है, उत्तम सलाह है, श्रेष्ठ सलाह. यज्ञ दान और तप ये तीन वस्तुओं को नहीं त्यागे. अभी आप समाज की ओर दृष्टि दौड़ाइए, कितने यज्ञ करते हैं लोग, कितना दान करते हैं और कितना तप करते हैं, वाणी का तप या शरीर का तप या मन का तप. अगर ये चीजें होंगी समाज के अंदर तो ये सत्वगुण प्रवेश कर जाएगा, सत्वगुण प्रबल बन जाएगा समाज के अंदर और समाज सुखी हो जाएगा. लेकिन है नहीं, है नहीं. ए फलाकांक्षी भी यज्ञ, निष्काम भाव से यज्ञ करना, दान देना. दान देते हैं लोग लेकिन थोड़ा दान दे देंगे तो अपने पत्थर के ऊपर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी अपनी बाबा की स्मृति में, ये एक छोटे स्टाइल का दान करने पे और टाइल पे लिखवाना चाहते हैं, लिखवाते हैं. जब कभी जाओगे वृंदावन, ऋषिकेश और बहुत सी जगहों पर, धामों में, तीर्थों में, तो मंदिरों के अंदर सैकड़ों हजारों टाइल्स मिलेंगी और हर एक पे अलग अलग देने वाले दाता का नाम है कि ये टाइल्स मैंने दान की मेरी मेरे बाबा की स्मृति में. मैं फला पुत्र, फला पिता का नाम, पुत्र का नाम और बाबा की स्मृति में या दादी की स्मृति में. तो ये दान निष्काम भाव से नहीं हुआ, ये तो रजोगुणी दान है. दंभ के साथ दिया गया कि ठीक है लिख लो हमारा भी, लेकिन टाइल्स में नाम लिख देना हमारा, मार्बल के कमल पत्र पर हमारा नाम भी आना चाहिए. कमल पत्र बनाएंगे जी तो हमारा नाम पहले लिखना, 1100 लिख लो, बड़े गर्व से देते हैं. नहीं, ये दान निष्काम भाव से नहीं हुआ, अपनी प्रतिष्ठा के लिए हुआ. निष्काम है इसमें आपको किसी प्रकार की वाहवाही भी नहीं चाहिए, दान देना ही कर्तव्य है, इस भाव से दिया. और भी इसका आगे है, दान लेने आया है उसको भी उस परमात्मा का स्वरूप समझ के दान देना कि तेरा तुझको अर्पण, ये श्रेष्ठ भाव है, ये ऊंचा भाव है, ये पवित्र भाव है. यज्ञ दान तप है कर्म ने त्याज्यम कार्यम एव तत्, इनको त्यागना नहीं चाहिए अर्जुन, इनको तो परम कार्य समझ के करना चाहिए, इनसे बड़ा कौन सा कार्य होगा. तुम्हारे सब कार्य इसके नीचे हैं, इनको जरूर करना. अर्जुन प्रश्न उठाता लेकिन उससे पहले ही भगवान ने अगली लाइन बोली, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. ये बड़े बड़े महापुरुषों को पवित्र करते हैं, इनको त्यागना नहीं, करते रहना. लेकिन समाज को पवित्रता नहीं चाहिए, लोगों को पवित्र भावना नहीं चाहिए. पवित्र भावना बोलो, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमको बेईमानी करनी पड़ेगी, झूठ बोलना ही पड़ेगा, धोखाधड़ी करनी ही पड़ेगी या कुछ पाप करने ही पड़ेंगे, तभी हमारे बच्चों का पेट भरेगा, तभी हमको पद प्रतिष्ठा मिल सकते हैं, वरना नहीं तो कैसे फिर समाज सुखी हो. इसलिए रजोगुणी दुखी होता है, चिंतित होता है, चिंताग्रस्त रहता है. तमोगुणी तो, तमोगुणी की तो दशा बहुत दुर्दशा होती है, रजोगुणी भी सुखी नहीं है. भगवान ने तो कहा है दुख और चिंताएं इसको घेर लेती हैं रजोगुणी को. कोई भी कर्म रजोगुण में करेगा, रजोगुणी रजोगुण के कर्म करेगा, रजोगुणी बुद्धि होगी, रजोगुणी सोच विचार होंगे, रजोगुणी कर्म होंगे, तो उसकी तरफ सारे दुख आ जाएंगे और चिंताएं प्रकट हो जाएंगी. बड़े बड़े सम्राट, राजा, महाराजा, रात में नींद नहीं आती सोने के, किसके साथ कब भिड़ंत हो जाए, कब अटैक हो जाए, कब कोई आक्रमण कर दे, धन संपत्ति है मेरे पास, किला है, खजाने हैं, रानियां हैं, एक से एक हूर नूर है, कब कोई अटैक कर दे, सब चिंताग्रस्त रहे, सब दुखी रहे हैं, रहते हैं.
वही भगवान ने कहा रजोगुणी सुखी नहीं होते, दुख व्याप्त होता है इनको, चिंताग्रस्त रहते हैं, फुल ऑफ पेन एंग्जाइटीज। उनसे पूछिए जो हैं रजोगुणी रजोपत। एक महात्मा को भी यदि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बना दो या प्रेसिडेंट बना दो, फिर उसको बाद में मिली है 2-4 साल के बाद, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, सब चिंताओं ग्रस्त हो जाता है, न जाने कितनी कितनी समस्याएं उसके सामने प्रकट हो जाती हैं, दुखी होता है कि पहले ठीक था, मैं साधारण से रूप में रहता था, समाज सेवा करता था, वही ठीक था, अटल बिहारी वाजपेयी एक भक्त की तरह एक संत की तरह उभर के सामने आए, और जब सीट पर बैठ गए तब उनका कुछ देखने लायक चेहरा था, और उतर गए उसके बाद तो और भी, उससे पहले अच्छे थे, कविता करते थे, खुश रहते थे, समाज सेवा करते थे, लोगों का दिल जीता था उन्होंने। एनीवे एक तो ये तो उदाहरण रूप से कहा है, लेकिन रजोगुण में दुखी होता है आदमी, सतोगुण में सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है, सतोगुण में कुछ दिखाई देने लगता है, वस्तुएं जैसी हैं वैसी की वैसी, भला भला दिखाई देता है, बुरा बुरा ही दिखाई देता है। सतोगुण में भावना पवित्र होती है और वो अपनी सतोगुण को वृद्धि करके और वो परमात्मा को रिझाने में सक्षम हो जाता है, भगवत धाम जाने में सक्षम हो जाता है, उस परमानंद की और उसकी उसका रथ दौड़ने लगता है। रजोगुणी का नहीं, रजोगुणी तो यह जन्म मरण जरा व्याधि के भंवर में ही उसकी गोता खाती है, नौका डुगडुगी घूमती है, जन्म मरण जरा व्याधि, जन्म मरण जरा, बार बार जन्म लेगा, मरेगा, फिर इच्छाएं पुरोल करेगा, फिर पदों के लिए दौड़ेगा, फिर मर जाएगा, फिर बस ये घाणी में चलता रहेगा रजोगुण। तमोगुण की गति भी ऐसे ही है घाणी में, लेकिन बहुत नीची गति है, नरक तक जा सकता है, या जानवरों में, या सतोगुण शुद्ध है तो पवित्र भावना करता है, ये यज्ञ दान तप करो तो पवित्र भावना होती है। भगवान कहते हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, इनका ऐसे कर्मों को हे अर्जुन अवश्य करना चाहिए, यज्ञ दान और तप दुष्टों का संग न करते हुए, संगम त्यक्त्वा या इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स जो हैं विषय, इनका संग नहीं करना चाहिए, और ये यज्ञ दान और तप को करके कोई फल की अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिए कि इससे मुझे फल मिलेगा, इससे स्वर्ग मिलेगा, नहीं, करना ही मेरा कर्तव्य है, इसलिए भगवान ने मुझे दिया है, इसको मैं लुटाना चाहता हूं, यज्ञ करना चाहता हूं, दान देना चाहता हूं और तप करना चाहता हूं, मुझे शुद्ध बुद्धि दी है भगवान ने, मैं वाणी का शरीर का और मन का तप करना चाहता हूं, ऐसे जीवन जीना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, यज्ञ दान और तप को करना चाहिए कर्तव्य समझ करके, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इससे मुझे मीठा फल मिलेगा, लोग वाह वाह करेंगे कि वाह वाह क्या यज्ञ लुटाया है, वो वाहवाही लूटने के लिए नहीं, या स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए नहीं, किसे देवलोक मिलेंगे, नहीं, ये तो तुमको पवित्र करके भगवान से मिला देंगे, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये फल मिलना चाहिए। संगम त्यक्त्वा, बुरे का संग नहीं करना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए, कि वो रुकावट पैदा करेंगे, सलाह देंगे कि ये क्या करता है, पागल है, बिना मतलब लुटाता है लोगों को, क्या क्या होता है दान करने से, अपने बच्चों के लिए एक कार उसको खरीद दे, बड़े बेटे को साइकिल पर जाता है, अरे अच्छा मकान बना ले, बंगला बना ले तगड़ा, चल चल मेरे साथ कसिनो में जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, पैसे में लड़कियां मिल जाती हैं, नहीं, संगम त्यक्त्वा, ऐसे दुर्जनों का संग त्याग देना चाहिए, सत्संगत करनी चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, दुर्जनों का नहीं।
संगम त्यक्त्वा, तो ऐसे दुष्ट लोगों का संग त्याग के जो हरि से विमुख है उनका त्याग कर देना चाहिए और यज्ञ दान तप करते रहना चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान तप भी करो और दुष्टों का संग भी करो तो ऐसे ही है जैसे नदी में स्नान करता है हाथी और बाहर निकल के फिर धूल अपनी सूंड से धूल में शरीर बिगाड़ लेता है धूल डाल के। तुमने कुछ किया यज्ञ दान तप और फिर बुरी संगत में आके उनको बराबर हो गया, कोई फल नहीं मिलेगा। संगम तक तो फलानी च, उनका फल की तो इच्छा ही नहीं करे कि इसके करने से मुझे मीठा फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, लोग वाहवाही करेंगे, या दान दूंगा तो टाइल्स पे मेरा भी कमल पत्र पे नाम लिखा जाएगा। लोग बड़े बड़े लुभावने लोभ देते हैं कि कमल पत्र बनेगा जी 108 पंखड़ियों वाला, तो 11,000 रुपए देने वालों का उन 108 पंखड़ियों पर उनका नाम, उनके बाबा का नाम, उनका पिता का नाम लिखा जाएगा। तो आप भी दीजिए, मार्बल का कमल पत्र बनाएंगे बड़ा। बिड़ला मंदिर बनेगा, बिड़ला जी का नाम दरवाजे पर होगा, बिड़ला मंदिर, अंदर भगवान है, चाहे लक्ष्मी नारायण है या देव नारायण है या राधा कृष्ण है या सीताराम है, लेकिन दरवाजे के ऊपर यही होगा कि बिड़ला मंदिर। अब तो समझ गए। तो ये बिड़ला मंदिर बनने का मतलब है कि आपको अपना नाम की प्रसिद्धि चाहिए, उस प्रसिद्धि से आपका व्यापार और बढ़ेगा, लोग आपका सम्मान करेंगे और आपकी हर तरह से आपका व्यापार में वृद्धि होगी, आपका नाम रोशन होगा, आपकी पीढ़ियों तक ये नाम चलेगा, 7 पीढ़ियों तक। ये फल की इच्छा, ये रजोगुण है, सत्वगुण नहीं है, फल की इच्छा नहीं। और दुष्ट जनों का संग नहीं करना चाहिए, हरि विमुख का संग कभी नहीं करे, जो हरि के विरुद्ध नास्तिक है, आसुरी स्वभाव का है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ, ए प्रतापुत्र अर्जुन, ये मेरी कर्तव्य की नीति है कि कैसे कर्तव्य करना चाहिए, इस नीति से कर्तव्य करनी चाहिए कि कर्तव्य करते हुए दुष्टों का संग न करे और फल का संग न, फल के आशा न करे। दुष्ट क्या है? ये हमारी इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स जो है ये भी दुष्ट हैं, इंद्रिय तृप्ति जो करवाते हैं, रूप देख के मोहित हो जाते हैं, या तरह तरह के स्वादों में रसना तृप्त रहती है, मन डोलता है, इधर उधर मचलता, ये सब ये भी ये दुष्ट हैं, इनका संग नहीं करना चाहिए, दुष्ट विचारों का संग नहीं करना चाहिए, दुष्ट विचार ही दुष्ट हैं। कोई दुष्ट विचार उठे तो उसको त्याग देना चाहिए कि नहीं भाई तू कहां से आ गया, नहीं, अच्छे विचारों का संग करना चाहिए जो आपको प्रसन्न करते हो, जो सत्पुरुषों में ले जाते हो, जो सत्पथ पर ले जाते हो, जो भगवान के धाम की ओर जाने का रास्ता बतलाते हो, ऐसे विचारों को जो आपकी भावना को पवित्र करने के काम आते हो, ऐसे विचारों को तो संभाल के रखना चाहिए, लेकिन कोई दुष्ट विचार उठे तो उसको त्याग देना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। इससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरा उत्तम मत है, उत्तम मध्यम और निकृष्ट, ये निकृष्ट नहीं, मध्यम नहीं, उत्तम श्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ पीछे विद्वान बोले, अनुभव गम्य बोले, मनीषी बोले, महापुरुष, भगवान कहते हैं ये सबसे जो मैं बोल रहा हूं ये सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मत है, इससे उत्तम मत कोई नहीं हो सकता। एतान्यपि तु कर्माणि, इनको कर्म समझ के करना चाहिए, क्या
यज्ञ दान और तप, अब जब हम प्रैक्टिकल इनको करेंगे तभी इसका अनुभव होगा कि वास्तव में आपकी इनसे पवित्रता होती है, अवश्य होगी, अवश्य होगी। धन पवित्र दिए दान, आपका धन भी पवित्र हो जाएगा। दान नहीं करेंगे वो सड़ जाएगा, उधर ही रखा हुआ, आपको भी सड़ा देगा, आपके विचारों को सड़ा देगा, आपके हर तरह से बदबू फैला देगा। इसलिए लोभ नरक का कारण बन जाता है, नहीं दान करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र हरि नाम सु, और धन पवित्र दिए दान। अनूप जलौटा जी ने गाया ने बहुत सुंदरता से, नहीं दान और यज्ञ और तप, वाणी का तप, मन का तप, शरीर का तप, निचोड़ है, सारांश है। आप शुद्धता से जीवन जिए और जो भी करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें, भगवत भावित बने, बिकम ए कृष्णा कॉन्शियस, उस भगवान की आपकी भावना में वो परमात्मा समा हमेशा वास करे, ऐसे कर्म करें कि आपको भगवान से, ऐसे कर्म ना करें कि आपको भगवान से बहुत दूर ले जाएं, उसमें आपको नुकसान ही नुकसान है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। भगवान कहते हैं कि वो संन्यास संन्यास नहीं है, संन्यास की नियत से तो संन्यास धारण करता है और कर्मों का त्याग करता है, ये तो संन्यास नहीं है, इसमें संन्यास का फल नहीं मिलेगा। संन्यासी को भी अपने कर्तव्य करनी चाहिए, गृहस्थी को भी अपने कर्तव्य करनी चाहिए, वानप्रस्थी को भी और ब्रह्मचारी को भी, इन सभी को कर्म तो करना चाहिए। भगवान ने कहा कि अर्जुन तू कर्म नहीं करेगा तो क्या खाएगा, तेरा पेट कैसे भरेगा, कर्म तो करना पड़ेगा वरना तेरा निर्वाह कैसे होगा। कर्मों की दशा सुधारने के लिए ये उपदेश किए जा रहे हैं। यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम, इनका त्याग नहीं करना, ये तो तुमको पवित्र करते हैं। इनका त्याग कर दिया फिर चाहे जिंदगी भर तुम रात और दिन लगे रहो भूतों की तरह काम करने और बन जाओ अरबपति खरबपति, लेकिन तुमने सब खो दिया, तुमने पवित्रता खो दी, सब कुछ खो दिया, तुमने भगवान को खो दिया, सब कुछ खो दिया, अंधेरे में चले गए, अंधकार में चले गए, क्या करोगे उन अरबों रुपयों का खरबों का। पूरा विश्व ही तुम्हारी झोली में डाल दिया जाए और भगवान को भुला दो तो आपने सब कुछ भुला दिया, कुछ खाक भी नहीं रहा फिर आपके पास। पूरा विश्व का धन भी आपके खजाने में रख दिया जाए और भगवान को दूर कर दिया जाए तो क्या बचा आपके पास, खाक। और पूरा विश्व भी त्याग दिया जाए और भगवान को, भगवान के चरण पकड़ लिए जाए तो आपने सब कुछ पकड़ लिया, आपने अपनी पवित्रता खो दी तो सब कुछ खो दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। जय गोपाल। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। अभी भगवान ने त्याग को जैसे तमोगुण रजोगुण सतोगुण ऐसे कहा गया है, ऐसे दिया है, समझा रहे हैं कि त्याग भी तीन प्रकार का होता है। कोई मोह के कारण त्याग कर देता है, तमोगुणी त्याग कहा है, ऐसे रजोगुणी त्याग है,